तो भाई आप देख रहे हैं हुंडई की नेक्सो, ये अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुई, अभी ये सिर्फ इन्होंने कोरिया में लॉन्च की है और ये हाइड्रोजन फ्यूल पे चलेगी। गाड़ी का कॉन्सेप्ट देखो किस तरीके से गाड़ी बनाई गई है इन्होंने, यहाँ पे ब्लू लाइन की बैजिंग है। बट स्टार्ट करेंगे हम फ्रंट से, यहाँ पे आपको DRLs मिल जाएंगे और DRLs का पार्ट आपको पूरे बोनट व्यू के नीचे देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से कनेक्टिविटी मिलेगी उस साइड से इस साइड तक। यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर बेस हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, LED फ्रंट पार्किंग सेंसर्स पॉइंट किए हुए हैं इसमें। यहाँ पे आपको फ्रंट पार्किंग कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा नंबर प्लेट की जगह। नेक्स्ट जो गाड़ी है तो यहाँ पे इन्होंने मार्किंग की हुई है। स्कीड प्लेट इसकी सेम बॉडी कलर में रहने वाली है। वहीं साइड प्रोफाइल पे आ जाते हैं, साइड प्रोफाइल पे कुछ इस तरह के अलॉयज देखने के लिए मिलेंगे, अलॉयज जैसे रिम है, बाकी अलॉय वाली लुक दी हुई है। फ्रंट और रियर डिस्क रहने वाले हैं। और टायर साइज की बात करें तो टायर साइज इसमें 245/45/19 रहेगा, 19 इंच का इसमें हमें अलॉय मिलेगा। ORVM ऑटो एडजस्टेबल रिएक्टेबल मिल जाएंगे विद इंडिकेटर। 360 डिग्री व्यू के लिए कैमरा मिल जाएगा यहाँ पे। डोर हैंडल्स सेम बॉडी कलर रहेंगे, बी पिलर सेम आपको ग्लोसी ब्लैक फिनिश में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से गाड़ी का पूरा साइड प्रोफाइल आप चेकआउट कर सकते हैं। और जो रेयर टेल लैम्प्स हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव देखने के लिए मिलेंगे आपको, काफ़ी अच्छे तरीके से दिए हुए, पूरा LED में ही मिलेगा आपको। जो पूरा इन्होंने टेल लैम्प यूनिट दी हुई है पूरी LED में मिलेगी। यहाँ पे इंडिकेटर, ये बैक लाइट, यहाँ पे फ्यूल सेल की इन्होंने मार्किंग की हुई है। टोटल 4 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट किए हुए हैं। यहाँ पे हुंडई का लोगो, यहाँ पे नेक्सो की ब्रांडिंग और उधर दोबारा इन्होंने हुंडई की ब्रांडिंग की हुई है। रेयर डिफॉगर मिल जाएगा, स्पॉइलर मिल जाएगा, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, ऊपर शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा और सेम आपको कलर के रूफ रेस देखने के लिए मिल जाएंगे, जो बॉडी कलर है उसी के अंदर। भाई ये था नेक्सॉन का एक्सटीरियर, अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुई तो इंटीरियर इसका दिखा नहीं रहे, गाड़ी खोली नहीं हुई। बाकी गाड़ी कैसे लिख कमेंट बताया, वीडियो कैसे लिख कमेंट बताया। हम बैठे हुए हैं जो प्रवेग कंसेप्ट है, जो आने वाला EV कार आने वाली, इसमें इन्होंने इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो दिखाया हुआ है। यहाँ पे इन्फोटेनमेंट सिस्टम, जो म्यूजिक सिस्टम मिलने वाला, काफी बड़ी डिस्प्ले लगाई हुई है। अभी तो एक कॉन्सेप्ट कार है, जब प्रैक्टिकली कार मार्केट में आ जाएगी जब पता चलेगा। जैसे यहाँ पे ORVM दिए हुए हैं, अभी तो इन्होंने डोर्स वगैरह कुछ नहीं लगाए हुए, इस पे खाली कार दी हुई है। काफी अच्छा बोनट व्यू दिया हुआ है, यहाँ पे इसके DRLs वगैरह दिए हुए हैं। और आगे यहाँ पे प्रवेग की इन्होंने ब्रांडिंग की हुई है, यहाँ आगे टो वगैरह करने के लिए चैन वगैरह का सारा कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया हुआ है, इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है। वहीं साइड प्रोफाइल पे आएंगे तो टायर साइज काफी बड़ा दिया हुआ है, अलॉय दिए हुए हैं, फ्रंट डिस्क दिए हुए हैं। और वहीं रम जो रेयर है वो भी चेक कर लेते हैं हम, रेयर भी डिस्क दिए हुए हैं। यहाँ से गाड़ी का रेयर लुक चेकआउट कर सकते हो आप कि रेयर लुक कैसा। बाकी अभी तो गेट वगैरह इन्होंने कुछ लगाए नहीं हुए, कॉन्सेप्ट किस हिसाब से मार्केट में उतारेंगे इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। बाकी अभी एक कॉन्सेप्ट कार होती है ना, तो उसके हिसाब से इन्होंने ये दी हुई है प्रवेग। बट ये भी ना EV कार रहेगी, EV कॉन्सेप्ट है प्रवेग ये भी, और जब मार्केट में आ जाएगी उसके बाद पता चलेगा कि कैसी रहती है गाड़ी। भाई BYD का स्पेस है, BYD वालों का, यहाँ पे BYD A23 लगी हुई है, सारे कलर्स लगे हुए हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे BYD A23 का कुछ सिल्वर कलर लगा हुआ है, कलर कौन सा है प्रॉपर नाम आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सिल्वर कलर है। यहाँ पे BYD A23 रेड कलर में लगी हुई है, कलर ऑप्शन दिए हुए हैं BYD की। वैसे पूरी वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, वो देख सकते हैं आप। और यहाँ पे ब्लू कलर भी है BYD A23 का, ये भी आप देख सकते हैं कि कलर ब्लू भी काफी अच्छा लग रहा है देखने में। यहाँ पे ब्लू कलर इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ। वहीं आगे आएंगे तो ये कोई और कार है BYD की जो इन्होंने डिस्प्ले की हुई है, इनकी हम पूरी वीडियो दिखाते हैं आपको बनाते हैं। बट BYD के जितने भी EV कंसेप्ट हैं वो सारे इन्होंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। ये तो BYD A23 है, कलर डिफरेंस है, जो कलर आपने वहाँ देखे उस बस कलर में डिफरेंस है, बस और कुछ नहीं है।